अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द असेसमेंट्स ऑफ प्री सेक्शन फ्रॉम प्री नर्सरी टू प्रेप क्लास। ऑन मंडे देर विल बी द असेसमेंट ऑफ प्री नर्सरी क्लास। यू कैन टेक द असेसमेंट्स ऑफ प्री नर्सरी ऑन मंडे एंड फिल अप दैम एट होम, देन सबमिट दैम इन द नेक्स्ट वीक ऑन मंडे इन द ऑक्सफोर्ड नेशनल हाई स्कूल ऑफिस। ऑन ट्यूजडे देर विल बी द असेसमेंट ऑफ नर्सरी क्लास। यू कैन फिल अप दीज असेसमेंट्स विद फुल ऑनेस्टी एट होम एंड देन सबमिट दैम इन द नेक्स्ट वीक ऑफ द डे ट्यूजडे। एंड द प्रेप क्लास असेसमेंट विल बी ऑन द वेनसडे। यू कैन टेक दीज असेसमेंट्स फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड नेशनल हाई स्कूल ऑफिस एंड देन सबमिट दैम इन द नेक्स्ट वीक ऑन द सेम डे वेनसडे इन द ऑक्सफोर्ड नेशनल हाई स्कूल ऑफिस। It is very important to tell you about the assessment's importance. We will merge the assessment's marks in the final result. So, conduct these assessments by yourself with full your guideline and under your supervision and with full honesty. As the school will reopen, we will take the sudden exams of students. If there will be any contrast between the assessment result or exams result, we will just prefer the exams results. We will fail the students from the assessment results and we will not include the assessment marks in the final result. आप खुद ये असेसमेंट्स कंडक्ट करेंगे, बच्चों को अपनी गाइडलाइन में करवाएंगे और फुल ऑनेस्टी से करवाएंगे, ईमानदारी से करवाएंगे। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे हम बच्चों के एग्ज़ाम्स लेंगे और अगर बच्चों के असेसमेंट रिजल्ट में और एग्ज़ाम्स रिजल्ट में कोई फ़र्क हुआ तो हम बच्चों के जस्ट जो है वो एग्ज़ाम रिजल्ट को प्रेफर करेंगे, उनको जस्ट एग्ज़ाम के रिजल्ट में से मार्क्स देंगे, हम असेसमेंट में से बच्चों को फेल कर देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को असेसमेंट्स जो हैं वो घर पर पूरी दयानतदारी से करवाएं, बच्चों को याद करवा के करवाएं ताकि बच्चों के ये मार्क्स जो हैं वो फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड हो सकें और बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकें। टेक केयर, गुड बाय।